Hello, students, welcome to NCRT exercises solution series. So, in the previous episode, we have finished exercise 7.2. Here, we are going to start from exercise 7.3 onwards. So, let us start the lecture. Uh, आज हम 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी तक हमने 7.1 एंड 7.2 इसमें फिनिश किया है सो so, 7.1 हमारा सिंपल इंटीग्रेशन पे बेस्ड था जैसा आपने देखा 7.2 पॉइंट मेथड पे बेस्ड था यहाँ जो बेसिकली हम करने जा रहे हैं दैट इज़ नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बट इन दिस एक्सरसाइज वी यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द इंटीग्रल्स सो देखते हैं हम कैसे करेंगे एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एक uh, जो है मैंने जो है सेवन पॉइंट टू एक्सरसाइज जब किया था तो सेवन पॉइंट टू एक्सरसाइज जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर टू में आई मेड अ लिटल मिस्टेक नॉट इन द आंसर सोल्यूशन पार्ट लेकिन क्वेश्चन में तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो था वो कुछ ऐसा है वो क्वेश्चन और मैंने जो है वो टू को एक्स uh, रिप्लेस कर दिया है आंसर करेक्ट है उसका आंसर में मैंने टू ही लिखा है बट इन क्वेश्चन बाई मिस्टेक

नाउ यहाँ पे हम टेग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं सॉरी इंटीग्रेशन यूजिंग द टेग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है उसको आए लिखेंगे ओके okay, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तो इसके लिए मैं आपको दो फार्मूलाज बता रही हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम यूज करते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू के फॉर्मूले को और अगर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन्ट टू ये दो फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज याद रखिए साइंस स्क्र एक्स एंड कॉस स्क्र एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर टेन् स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है देन यू नो दैट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस एपिसोड दैट उसको हम सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन में पहले कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी कैन डू द इंटीग्रेशन पार्ट बट साइंस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के लिए आपको ये दो फार्मूलाज जो हैं वो मेमोराइज रखना है तो देखिए क्या कर सकते हैं हम इसका वन माइनस कॉस टू एक्स टू थीटा ना दिस इज माई थीटा सो टू एक्स अपॉन टू डी एक्स ठीक है अब क्या कर सकते हैं हम इसको अलग अलग इंटीग्रल्स में इसको अगर हम ले लें ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा बोलिए ये वन बाय टू कॉस दिस विल बी फोर एक्स प्लस टेन ऐसे लिख सकते हैं हम ओके इन टू डी एक्स ओके मैंने क्या किया डिनोमिनेटर स्प्लिट किया वन बाय टू डी एक्स एंड दिस अपॉन डी एक्स इवन हेयर ऑल्सो आई कैन टेक वन बाय टू कॉमन ठीक है डी एक्स कॉस फोर एक्स प्लस टेन डी एक्स अब क्या करेंगे वन बाई टू डेरीवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स और डी एक्स इज़ एक्स यहाँ हम करेंगे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा साइन ओके सो साइन फोर एक्स प्लस टेन बट यहाँ पर मेरे पास क्या है फोर एक्स प्लस टेन है तो फोर एक्स प्लस टेन के डेरिवेटिव को यहाँ डिवाइड करते हैं क्यों करते हैं हमने देखा अभी आपके प्रीवियस सब्सिट्यूशन मेथड में कि अगर हमारे पास सपोज़ कीजिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ अगर मेरे को ये है सपोज़ कीजिए मुझे इसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी फ़ोर एक्स प्लस टेन को टी लेट कर लूँगी डी टी बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा तो डी टी अपॉन फोर इक्वल्स टू डी एक्स हो जाएगा ये मेरा कॉम टी डी टी बाय फोर डेट इज माइन सॉरी साइन टी होगा साइन टी बाय फोर प्लस सी विच इज साइन फोर एक्स प्लस टेन अपॉन फोर प्लस सी ये देखा ना हमने क्यों आया ये हमारा तो बस आप ये याद रख लीजिए इसका डेरिवेटिव कीजिए और इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आने से जब dx निकालते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है तो इतना लंबा प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है आप यहीं पर कर सकते हैं उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ओके तो हमारा कितना हो जाएगा डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा इंटू फोर क्योंकि फोर एक्स प्लस टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा फोर ओके फोर एक्स प्लस टेन का डिफ्रेंशिएशन फोर और फोर से हम डिवाइड कर लेंगे और प्लस सी तो यहीं पर मेरा फाइनल आंसर आ जाता है सॉरी वन बाय टू एक्स माइनस वन बाय एट साइन फोर एक्स प्लस टेन प्लस सी तो ये मेरा आंसर हो गया किसका साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स का सो so, हमारे पास क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखिए साइन थ्री एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स इसको मुझे इंटीग्रल करना है अब मैंने आपको बताया साइंस को एक्स के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो टू साइन एक्स कॉस वाई ओके टू साइन एक्स कॉस वाई या फिर ए और b में ले लेती हूँ उसको टू साइन ए कॉस बी इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ओके सो ये फॉर्मूला होता है मेरे पास टू साइन ए प्रोडक्ट फार्मूलाज बोलते हैं टू साइन ए cos बी कैन बी रिटर्न हैज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ओके सो हम क्या करेंगे अब इसमें टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे क्यों क्योंकि मुझे उस फॉर्मूले के फॉर्म चाहिए टू साइन ए कॉस्बी का फॉर्म चाहिए दैट्स आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय एंड एंड डिवाइडेड बाय टू सो ये क्या हो जाएगा मेरा टू साइने कॉस्बी सो इसका फॉर्म क्या हम लिख सकते हैं इसको टू साइन थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस साइन थ्री एक्स माइनस फोर एक्स ओके, okay? सो so, ये हो जाएगा मेरा वन बाय टू साइन सेवन एक्स और साइन माइनस एक्स ओके डी एक्स अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा साइन जो है हमारा वो एक ऑड फंक्शन है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है कॉस में अगर है तो कॉस इज अवन फंक्शन तो कॉस माइनस थीटा विल भी प्लस कॉस्ट थीटा अगर आप बेसिक टिग्नोमेंट्री या छोटी छोटी चीज़ें टिग्नोमेंट्री का क्लास इलेवेंथ का मेमोराइज नहीं है तो वो भी मैं आपको साथ साथ इसमें मेमोराइज़ करा रही हूँ सो so, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं वन बाय टू साइन सेवन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स राइट ये हो गया मेरे पास अब मैं क्या कर सकती हूँ बोलिए आई इक्वल्स टू वन बाय टू साइन सेवन एक्स डी एक्स माइनस वन बाय टू साइन डी एक्स स्प्लिट किया मैंने आगे अलग अलग इसको ठीक है अब साइन <coughs> का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस सेवन एक्स अपॉन सेवन कर दूं क्योंकि मैं अगर सेवन एक्स को टी पुट करती तो वो सेवन मेरा डिवाइड में हो जाता क्योंकि सेवन एक्स का डेरिवेटिव सेवन होता और डेरिवेटिव को यहाँ डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई नहीं वो आपका रीज़न हमने सब्सिट्यूशन में क्लियर किया था अब क्या होगा ये माइनस वन बाय टू साइन का क्या होगा माइनस कॉस अच्छा ये साइन एक्स है सॉरी इसका माइनस कॉस एक्स प्लस सी सो मेरा आंसर हो गया माइनस कॉस सेवन एक्स बाय फोर्टीन प्लस कॉस एक्स बाय टू प्लस सी ओके सो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया सो so, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आई इक्वल्स टू हमारे पास है इंटीग्रल कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स कॉस सिक्स एक्स डी एक्स ओके ये मेरे पास इंटीग्रल है अभी यहाँ मुझे किस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक की फार्मूला मैंने टू ए कॉस भी आपको बताया यहाँ मेरा टू कॉसे कॉस भी लग सकता है सो क्योंकि कॉस कॉस के फॉर्म में है ना सो टू कॉस ए कॉस भी कॉस ए प्लस बी ठीक है प्लस कॉस ए माइनस बी तो ये मेरे पास फॉर्मूला जो कि मेरा इसमें यूज़ होगा अभी कैसे यूज़ होगा टू तो है ही नहीं तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेती हूँ इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ठीक है अब मैं फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करूंगी पहले मैं इन दो ब्रैकेट्स में फॉर्मूला अप्लाई करूंगी टू कॉस ए कॉस बी ठीक है सो क्या हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ब्रैकेट एंड साथ में इनके क्या है कॉस सिक्स एक्स है राइट right? तो अभी क्या हो जाएगा ये मेरा बोलिए हाफ ये हो जाएगा कॉस सिक्स एक्स ठीक है और ये कॉस टू एक्स अब बोलेंगे आप माइनस टू एक्स होगा ये मैंने बताया अभी जस्ट अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कॉस माइनस थीठा एज कॉस थीटा सो कॉस माइनस टू एक्स कैन बी रिटर्न एज कॉस टू एक्स ओके अच्छा कॉस सिक्स एक्स अब क्या कर सकते हैं हम वी कैन मल्टीप्लाई दिस तो ये कॉस स्क्र सिक्स एक्स हो जाएगा और ये कॉस टू एक्स कॉस सिक्स एक्स हो जाएगा मैंने क्या किया कॉस सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया अब मैं अलग अलग इंटीग्रल में ले लूँगी इसको देखिए ध्यान से अलग अलग इंटीग्रल्स में लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा वन बाई टू कॉस स्क्र सिक्स एक्स डी एक्स प्लस वन बाय टू कॉस टू एक्स कॉस सिक्स एक्स डी एक्स राइट ये हो गया मेरा अभी मैं क्या कर सकती हूँ ये मैं कैसे करूँगी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया था साइंस स्क्र एक्स साइंस स्क्र एक्स का वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू और उसी क्वेश्चन में मैंने आपको कॉस कोर एक्स का भी बताया था फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू एक्स बा टू सो वो भी फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू एक्स टू एक्स मतलब ट्वेल्व एक्स हो जाएगा क्योंकि वो सिक्स एक्स है टू थीटा थीटा का डबल बाय टू ठीक है साइन में नेगेटिव आता है कॉस में पॉजिटिव ध्यान रखिए इस चीज़ का ठीक है और यहाँ वही 2 टू से कॉस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा फोर हो जाएगा क्योंकि टू तो पहले ही सा एंड पहले से ही है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय टू तो वन बाय टू बिकम्स वन बाय फोर एंड वी मल्टीप्लाई दिस बाय टू एंड ये भी टू से मल्टीप्लाई होगा अभी ये भी फोर हो गया मेरा ठीक है फोर हो गया वन प्लस कॉस ट्वेल्व एक्स डी एक्स और ये वन बाय फोर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ए प्लस बी करेंगे तो मेरा एट एक्स मिलेगा और प्लस कॉस ए माइनस बी तो माइनस फोर एक्स मिलेगा तो उसको मैं फोर एक्स लिख सकती हूँ डी एक्स क्लियर हो गया कॉस ए प्लस बी सिक्स एक्स प्लस टू एक्स ठीक है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया एड टू एक्स माइनस सिक्स एक्स आएगा बट कॉस माइनस थीठा इज कॉस थीटा तो इसलिए वो फोर एक्स हो जाएगा ओके okay? माइनस करेंगे तो अब इंटीग्रल कर दीजिए देखिए इंटीग्रल कैसे एक्स का वन का एक्स हो जाएगा और कॉस का क्या होता है साइन माइनस साइन नहीं होता माइनस साइन उसका डेरिवेटिव होता है ठीक है अपॉन ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों आया ट्वेल्व एक्स का डेरिवेटिव करेंगे ठीक है तो ट्वेल्व लेकिन इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड करते हैं प्लस वन बाय फोर कॉस का साइन होगा साइन एट एक्स अपॉन एट प्लस साइन फोर एक्स अपॉन एट राइट एंड प्लस सी सो क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर आप ट्वेल्व को कॉमन ले सकते हैं वन बाय फोर्टी एट दिस विल बिकम ट्वेल्व एक्स प्लस साइन ट ओके प्लस वन बाय थर्टी टू होगा ये ओके साइन एट एक्स प्लस साइन फोर एक्स प्लस सी ओके सो दिस विल बी बिकम्स और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं एक्स बाय फोर या इसको ही कर देते प्लस वन बाय फोर्टी एट साइन ट्वेल्व एक्स प्लस वन बाय थर्टी टू साइन एट एक्स प्लस वन बाय थर्टी टू साइन फोर एक्स प्लस सी सो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर देखिए ये जो एक्सरसाइज है आपका इसमें पूरा इंटिग्नोमेटिक के फॉर्मूला का पूरा गेम यूज हुआ है सो so, डिफ़िकल्ट लगता है समटाइम्स स्टूडेंट्स को टेगनोमेट्रिक फॉर्मूलाज लर्न करना लेकिन आप एक सेम क्वेश्चन का बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए साथ में फॉर्मूला को भी लिखिए तो वो अप्लाई करना आपको ईजिली हो जाएगा अच्छा यहाँ पे जो हमारा टेग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ होने वाला है वो साइन थ्री थीटा का यूज़ होने वाला है क्यूब निकालने के लिए तो इसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास फॉर्मूला थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा ये फॉर्मूला होता है साइन थ्री थीटा का तो यहाँ से अगर मैं क्यूब थीटा की वैल्यू निकालूँ साइन क्यूब थीटा की तो क्या निकलेगा मेरे पास ये देखिए साइन क्यूब थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा वन बाय फोर थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा डायरेक्ट तो ये याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कर सकते हैं तो साइन क्यूब थीटा का डायरेक्ट याद रख लीजिए वन बाय फोर थ्री साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा सॉरी माइनस साइन थ्री थीटा और अदरवाइज साइन थ्री थीटा का भी आपको लर्न है तो वहाँ से आप साइन क्यूब थीटा का वैल्यू इमेडियटली निकाल सकते हैं सो so, अभी मेरे पास क्या है ये साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन डी एक्स ओके अब मैं वो फार्मूला अगर अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरा वन बाई फोर सिर्फ मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना है थीटा ये है मेरा सो टू एक्स प्लस वन माइनस साइन थ्री टू एक्स प्लस वन डी एक्स सो दिस विल बिकम माई वन बाई फोर थ्री साइन टू एक्स प्लस वन माइनस साइन सिक्स एक्स प्लस थ्री डी एक्स ठीक है ये आ गया आपके पास अब इसका इंटीग्रल कर देते हैं तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन का माइनस कॉस होता है ठीक है सो so, माइनस कॉस हो गया ये एज इट इज़ थ्री कॉपी करेंगे और इसका डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा डेरिवेटिव को डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में टू एक्स प्लस वन साइन एक्स होता तो माइनस कॉस एक्स हो जाता साइन टू एक्स प्लस वन है तो हमें टू को डिवाइड करना होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए साइन का माइनस कॉस होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया प्लस थ्री और सिक्स एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव को डिवाइड करना है हमें ठीक है प्लस सी सो आई विल बी माइनस थ्री अपॉन एट कॉस टू एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर कॉस सिक्स एक्स प्लस थ्री प्लस सी अच्छा इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ठीक है तो कैसे इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे देखिए जरा Uh, हमारे पास यहाँ पर आई कोस टू माइनस थ्री बाई एट कॉस टू एक्स प्लस वन आया और ये वन बाई ट्वेंटी फोर कॉस थ्री टू एक्स प्लस वन है ओके okay, यहाँ मैं थोड़ा और सिम्प्लीफाई करने के लिए इसको कॉस थ्री थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ सो so, क्या होता है मेरे पास कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा तो ये अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ तो मेरा और थोड़ा सिम्प्लीफाई हो जाएगा देखिए कैसे क्योंकि आंसर हमें जितना सिम्प्लीफाई हो सके उतना ही सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना होता है ओके, okay. सो so, क्या हो गया मेरा वन बाय ट्वेंटी फोर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे uh, तो हो जाएगा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा ओके ये हो गया मेरा अब ये हो गया मेरा माइनस थ्री बाई कॉस टू एक्स प्लस वन प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाय सिक्स कॉस क्यूब टू एक्स प्लस वन हो जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई वन बाय ट्वेंटी फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन अपॉन एट हो जाएगा माइनस वन बाय एट कॉस टू एक्स प्लस वन ओके अब हम इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म्स हैं तो माइनस थ्री बाय एट माइनस वन बाय एट बिकम्स माइनस फोर बाय एट दैट इज माइनस वन बाय टू तो माइनस वन बाय टू कॉस टू एक्स प्लस वन प्लस वन बाय सिक्स कॉस क्यूब टू एक्स प्लस वन प्लस सी देखिए एग्जाम में आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है बट क्योंकि हमें जो है हम इसको कर रहे हैं एन के क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्योंकि आप देखेंगे आपके एन सी बैक में आपको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में पूरा आंसर दिया हुआ है तो ठीक है एग्जाम में नहीं भी कर पाए बट अभी इसको पूरा कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ कि आप उसको पूरा सिम्प्लीफाई वर्जन में किस तरह से ला सकें सो देट कि आपका आंसर पीछे से टैली हो सके आपका आंसर जो है मैच हो सके सो so ये मैंने उसका और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दिया ठीक है बाकी यहाँ तक भी अगर आप आंसर लिव करते हैं तो वो इनकरेक्ट नहीं होगा सो so, स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स ओके सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ साइन एक्स साइन स्क्वेर एक्स ऐसे लिख सकती हूँ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स ओके अब देखिए साइन एक्स इसको मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ देखिए ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये हो जाएगा माइनस कॉस फाइव एक्स ठीक है साइन एक्स डी एक्स पहले मैंने इसको ब्रैकेट को इंटू किया और लिखा एंड देन मैंने साइन एक्स को लिखा अब देखिए पुट अगर मैं करती हूँ साइन एक्स को तो टी तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा सॉरी साइन एक्स को टी मत पुट कीजिए कॉस एक्स को टी पुट कर लेते हैं कॉस एक्स को अगर मैं टी पुट करती हूँ तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स ओके और डी टी बाय माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओके अब मैं क्या कर सकती हूँ आई इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस टी की पावर फाइव और साइन एक्स डीएक्स को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ डी टी बाय माइनस साइन एक्स से तो नेगेटिव साइन मेरा डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको क्या कर लूँगी रिवर्स कर लूँगी सो so, आई मेरा ये हो गया देखिए ओके टी क्यू माइनस टी की पावर फाइव अपॉन माइनस वन था तो मैंने उसको चेंज कर लिया साइन अब ये टी की पार सिक्स बाय सिक्स टी की पार फोर uh, टी की पार फोर बाय फोर प्लस सी वट इज़ टी टी क्या है मेरा सो टी इज कॉस एक्स तो कॉस सिक्स एक्स बाय सिक्स माइनस कॉस फोर एक्स बाय फोर प्लस सी ये मेरा आंसर So, here we have finished till question number 5 of exercise 7.3. So, in our upcoming episode, you will learn from question number 6 onwards. So, till then, keep practicing.